नमस्ते जी भाई खुलुंखा, आज मैं फेसबुक लाइव में आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत दिन के बाद आया हूँ। मेरा तबीयत ठीक नहीं था। मैंने देखा है कि बहुत स्पेकुलेशंस चल रहे हैं कि मैं बीमार हूँ और मेरा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक बात है, मुझे मैं काफ़ी बीमार रहा हूँ। किडनी का प्रॉब्लम था, उसके बाद निमोनिया हुआ था मुझे, इसी के लिए मैं रेस्ट कर रहा था। आज मैं कलकत्ता में हूँ राजमाता के साथ और थोड़े दिन के बाद मैं वापस अगरतला आ रहा हूँ। लेकिन मैंने न्यूज़पेपर में, मीडिया में बहुत स्पेकुलेशन देखा कि मैं बीमार हूँ, मैं शायद एम्स में हूँ, वहाँ में अमित शाह के साथ मेरी मीटिंग हो रही है या कोई और पॉलिटिकल लीडर के संग मीटिंग हो रही है। तो मैं सबसे पहले अपने तिपरासा लोगों को, अपने वॉरियर्स को, अपने वर्कर्स को, त्रिपुरा के आम जनता को एक बात बोलना चाहता हूँ कि 99% जो मीडिया लिखता है वो, क्योंकि उनके पास कहानी नहीं है लिखने के लिए, तो जो मन में आता है वो लिख लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगरतला में मेरा तबीयत ख़राब था। डॉक्टर्स ने मुझे देखा, मेरा फीवर बहुत हाई था। उसके बाद मैं बाहर में ट्रीटमेंट के लिए गया बॉम्बे, उसके बाद मुझे निमोनिया लग गया और इसी के लिए मैं अपने घर में रिकवर कर रहा था। चेस्ट में कंजेशन था, बात करने में तकलीफ थी और सर्दी का समय है और निमोनिया को आप हल्का नहीं ले सकते हैं, इसके लिए मैं रेस्ट कर रहा था। आज मैं कलकत्ता में हूँ, राजमाता के साथ हूँ। क्रिसमस और त्रिंग के समय मैं अपने लोगों के साथ नहीं रहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम लोग सब एक संग हैं, वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर। और मैं सबको आने वाले साल के लिए, फॉर द न्यू ईयर 2023, मैं सबको दिल से, अच्छे प्योर मन से कहना चाहता हूँ कि आई विश यू द बेस्ट। किसी को भी, आप मेरे ओपोनेंट्स हो, आप मेरे विरोध में हो, तभी भी मैं आपको विश करूँगा फॉर क्रिसमस, फॉर थ्रिंग एंड फॉर द न्यू ईयर। मैं अपने पूरे त्रिपुरा के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, बंगाली, तिपरासा, मणिपुरी, कोई भी हो, हिंदुस्तान के पूरे लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आने वाले साल में हम लोग एक पॉजिटिव एटमोसफियर लाएंगे, एक ऐसा वातावरण लाएंगे जहाँ में हम प्यार को बांटें, प्यार को फैलाएं, नफरत को नहीं। हम पॉजिटिव लाइन में जाना चाहते हैं। और न्यूज़पेपर में मैंने आज, जैसे मैंने कमेंट किया कि किसी ने लिखा है कि मुझे क्या हुआ है, ये आप लोग क्यों स्पेकुलेट करते हैं? सब लोग जानते हैं कि अगर कोई बीमार है तो उसका पॉलिटिकल रीज़न नहीं होता है। सर्दी का समय है, पहले से मैं बीमार रहा हूँ और आपने देखा भी होगा कि मेरा, आई हैव लॉस्ट वेट, मेरा वज़न भी कमा है, फुल ट्रीटमेंट किया है और मैं चाहता हूं कि आने वाले 2023 इलेक्शन में हम फिट होकर फाइट करें। तो प्लीज़, मीडिया 99% जो लिख रही है वो उनके मन में एक मतलब कि शायद कुछ कहानी लिखने का है नहीं, तो वो लिखते जाते हैं, कहानी बनाते जाते हैं। लेकिन अगर मुझे अमित शाह से मिलना है, अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, अगर मुझे राहुल गांधी जी के संग भारत जोड़ो यात्रा में जाना है, तो मैं ओपनली जाऊंगा, मैं किसी से चुपचाप कर मिलूंगा नहीं। सो ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपको मानी, एक मिनट, आई एम लाइव ऑन टीवी, आपको लगता है कि मैं कहाँ हूँ? मैं आपको राजमाता से मिलवाता हूँ। कौन है? नहीं नहीं, यू आर लाइव ऑन टीवी, राजमाता। ओह हाउ नाइस, हाँ, यू कैन वेव टू ऑल द पीपल इन द, हाँ हाँ, वाओ, दिस ऑल द पीपल हियर वाचिंग मी, आई विल जस्ट फिनिश दिस एंड आई विल जॉइन यू, अच्छा, गिव मी 5 मिनट्स। तो जहाँ रहा बात आज का कि बहुत लोग स्पेकुलेट करते हैं मीडिया में, क्यों स्पेकुलेट करते हैं? मैं जो भी बोलूँगा सामने आकर सबके सामने बोलूँगा, पीठ पीछे मुझे काम करने का शौक नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, सब लोग कह रहे हैं कि इस पार्टी के संग अलायंस है, उस पार्टी के साथ अलायंस है, लेकिन अलायंस उसी के साथ होगा जो हमारा पहला स्टेटमेंट था और आज भी वही हमारा लाइन है। जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन अंडर आर्टिकल 2 और 3 फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड देगा, हम उनके साथ बात करेंगे। जो राइटिंग में नहीं देगा
उनके साथ सीट शेयरिंग हो या अंडरस्टैंडिंग हो करना बेफजूल का बात है, सबका समय नष्ट होगा। इतने लोगों ने मुझे प्यार दिया है, इतने लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, इतना हमने कमिटमेंट दिया है, तो आज इलेक्शन के एक महीने पहले थोड़ा सा पैसा के लिए, थोड़ा सा सीट शेयरिंग के लिए मैं अपने वॉरियर्स को क्यों धोखा दूं? मुझे ज़िंदगी में पैसा नहीं चाहिए, मुझे ज़िंदगी में पोस्ट और नहीं चाहिए। वो पोस्ट जो आपने अपने दिल में मुझे दिया है विश्वास करके, वो पोस्ट मुझे चाहिए। मुझे कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नाम चाहिए। हमारे लोगों को इंसाफ चाहिए, हमारे लोगों को जस्टिस चाहिए। 75 साल से आप जाकर गांव में देखिए कितना कष्ट होता है, और किसी को डायरिया का प्रॉब्लम, क्यों कोई मलेरिया से मर रहा है, रास्ता ठीक नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, इतना प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम का समाधान एक आदमी को एमएलए बनाने से मिल जाएगा आपको? ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा अगर कोई मंत्री बन जाए? नहीं, ये प्रॉब्लम तभी ठीक होगा जब हमारा थानसा रहेगा और हम एक आवाज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोले कि आप हमारा सलूशन दीजिए, वरना हम आपके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज दरकार हमें नेता का नहीं है, आज दरकार हमें है कि अपना दिल को बड़ा करने के लिए। आज दरकार राजनीति का नहीं है, आज दरकार है कि अपना नियत को ठीक करने के लिए। आज आप एक आदमी को एमएलए और मंत्री बनाने से आपका कल्याण नहीं होगा। आज अगर आपको करप्शन को हटाना है ना, तो आप ऐसे लीडर को हटाइए जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने नेतागिरी के लिए पूरा स्टेट का भविष्य को दांव में लगा देता है। आप वैसे लीडर को पकड़िए। त्रिपुरा के लोग अच्छे हैं। त्रिपुरा में असल में मैंने नहीं देखा है कि बंगालीज हो, मणिपुरीज हो, त्रिपुरासाज हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, बुद्धिस्ट हो, लोग अच्छे हैं। प्रॉब्लम है कि हमारे नेता लोग स्वार्थी हैं। हर पार्टी में, मेरे पार्टी में भी हैं एक दो लोग, मैंने नोटिस किया है। लेकिन मैं जानता हूं कि जब तक मैं आपके साथ विश्वासघात, मैं ईमानदार रहूंगा, तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता। कोई शक्ति नहीं है इस देश में, इस दुनिया में, जो आपको हमसे दूर कर सके अगर हम सच्चाई के रास्ते में। बहुत लोग बोलते हैं कि इलेक्शन के लिए पैसे का दरकार है। कोई लोग तो बीजेपी तो हमारे खिलाफ कोई 29 तारीख को कुछ आंदोलन भी कर रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, उनके पास पैसा हो सकता है, मेरे पास भगवान का प्यार है, आशीर्वाद है, जनता का विश्वास है। और मैं समझ चुका हूँ कि ये मेरा लास्ट फाइट है, और मैं ये अपना लास्ट फाइट में अपना घर बेच दूँ, अपना संपत्ति बेच दूँ, लेकिन अपने लोगों को नहीं बेचूँगा। मैंने वायलेंस देखा है, मैंने ये भी देखा। मैं प्रशासन को भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि पूरा जिंदगी कोई पावर में नहीं रहता। मानिक सरकार इतने साल तक पावर में था, आज पावर में नहीं है। ये गवर्नमेंट भी आज जो पावर में है, ये पूरी जिंदगी पावर में नहीं रहेगा। तो आपका काम है कि डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना, आपका काम है कि कानून, जो कानून संविधान में लिखा गया, उसका पालन करना, ना कि कोई नेता का बात सुनकर कानून क्रिमिनल्स को आप फ्री हैंड दे कि वो कानून तोड़े। आपका दायित्व बनता है कि पहले देखे कि वो त्रिपुरा का एक सिटीजन है, वासी है, ना कि बीजेपी का मेंबर है, सीपीएम का मेंबर है, कांग्रेस का मेंबर है या टिपरा मोथा का मेंबर है। पहले आप संविधान का काम कीजिए। पार्टी आएगा जाएगा, नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का संविधान को अगर आपको सुरक्षा रखना है, डेमोक्रेसी को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, तो आप पहले जनता का बात सुनिए, जनता के दिल में क्या है उसके बारे सुनिए, ना कि कुछ लीडर फोन कर। मैं ठीक बोल रहा हूं, डेमोक्रेसी हैज टू बी सेव्ड। और जो लोग पावर में है, अहंकार मत कीजिए, ये अहंकार सबका टूटता है एक दिन। जो पावर में था आज नहीं है, और जो आज पावर में है वो कल शायद नहीं रहे। लेकिन जब आप पावर में हो तो आपका विनम्रता, आप कितना हम्बल हैं, उसको देखकर आपको जनता याद करेगी।
लास्ट पॉइंट, मैं अपने पूरे वॉरियर्स को एक बात बोलना चाहता हूं कि जब तक हमें राइटिंग में ग्रेटर तिपरा लैंड का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन अंडर आर्टिकल 2 और 3 नहीं मिलता है, तब तक हम किसी के संग अलायंस के बारे में बात नहीं करेंगे। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई पार्टी दुश्मन नहीं है, लेकिन जो हमारे ग्रेटर तिपरा लैंड के विरुद्ध में है, मैं उनको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं। आपका क्या सोल्यूशन है? आप डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, आप 75 साल तक क्या कर रहे थे? हमने तो ग्रेटर तिपरा लैंड का डिमांड 1 साल 2 साल पहले निकाला। आप इतने साल तक क्या कर रहे थे? सो रहे थे आप? आपने हमेशा हमारे तिपरा साहब को हल्का रखा, हल्के से लिया, हमें सीरियसली नहीं लिया। और मैं गलती भी नहीं बोलता क्योंकि हमारे कुछ लीडर हैं जो हमेशा पैसे, थोड़ा पैसा देकर अपने लोगों को भेज देते हैं, लेकिन प्रद्योत विक्रम माणिक्य नहीं बिकने वाला है। और मैं, अगर हमें राइटिंग में ये गारंटी नहीं दिया गया और कल फिर से न्यूज़पेपर में लिखा जाएगा कि ये डेस्परेट है, ये है, वो है, मुझे कोई चिंता नहीं है कि अगरतला के मीडिया में क्या लिखा जाए, मुझे कुछ चिंता नहीं है। क्योंकि यही मीडिया ने कहा था कि हमें 2 सीट मिलेगा ADC में, यही मीडिया ने कहा था कि लोकसभा के बाद मैं खत्म हो गया हूं, और यही मीडिया आज फिर से कुछ और लिखेगी, मुझे चिंता नहीं है। जब तक मैं सत्य के रास्ते में हूं, जब तक मैं अपने लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, जब तक मैं अपने लोगों को कुछ इंसाफ नहीं दूंगा, तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा और मैं कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं। आपके पास पैसा है, आपके पास व्यवस्था है, आपके पास पावर भी है, मेरे पास भगवान का बोला हुआ सच है और सत्य के रास्ते में मैं जा रहा हूं। मैं हारूंगा तो हारूंगा, लेकिन अगर जीत गया तो क्या करेंगे आप? और मुझे लगता है कि इस बार पब्लिक सबको सबक सिखाएगी। मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता था, मैं सिस्टम को चेंज करूंगा। आज बहुत लोग अलायंस कर का बात कर रहे हैं, लेकिन मैम, मैंने ये आज तक नहीं भूला है कि 25 साल तक हमारे ऊपर क्या अत्याचार हुआ, 75 साल तक हमारे ऊपर क्या अत्याचार हुआ, हमारे वर्कर्स को कैसे नौकरी नहीं दिया गया, हमारे लोगों को कैसे वंचित किया गया, मैं ये आज तक नहीं भूला हूँ। पावर के लिए कोई भी हाथ मिला सकता है, लेकिन सच्चाई का रास्ते के लिए हाथ मिलाने के लिए आपके अंदर सच बोलने का ताकत होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए। मैं और हमारा तिपरा मोथा एक है, और इस बार हम, अगर हमें राइटिंग में नहीं दिया गया तो हम अकेला फाइट करेंगे और हम अपने लाइन में रहेंगे। और जो लोग आज, जिनको बहुत प्यार है हमारे ऊपर, चिंता है, मैं बोलना चाहता हूं कि CA के समय आप कहां थे? जब पानी सागर में मस्जिद जलाया गया, तोड़ा गया, आप कहां थे? जब मेरे ऊपर मोहनपुर में अटैक किया गया, कहां थे? आज आपको दरकार है तो आप हमारे पास आते हैं। मत भूलिए कि हमारा जो सोच है वो 1-2 दिन का सोच नहीं है, वो फ्यूचर का, भविष्य का सोच है। ये जो फाइट हमारा ग्रेटर तिपरा लैंड का है, ये जो फाइट हमारा त्रिपुरा के लिए है, ये जो फाइट हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के लिए है, ये फाइट सिर्फ पॉलिटिकल फायदा के लिए नहीं है, हमारे लोगों का भविष्य के लिए। मैं बीमार हूं, आज थोड़ा सा कमजोर हूं, लेकिन हिम्मत नहीं टूटा है, और आंख में आंख मिलाकर आपको बोल सकता हूं कि इस बार मोथा विल विन, द ट्रूथ विल विन, द ट्रूथ विल प्रिवेल, एंड दिस टाइम वी शैल शो टू एवरीवन। हम लोग प्यार से जीतेंगे, हम लोग शांति से जीतेंगे। मैं प्यार बांटकर जीतूंगा। आप लोग नफरत का पॉलिटिक्स कीजिए, मैं प्यार का राजनीति करूंगा, मैं प्यार बांटूंगा। मैं आपको, आप नफरत कर सकते हैं मुझसे, मैं आपको प्यार करूंगा, और ये करके मैं आगे जाऊंगा। मत भूलिए कि ये त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां में हम सबको तकलीफ हुआ है, और हमें बांटने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, वही नेता है जो हर 5 साल बाद आपको जुमला दिखाकर, आपका वोट लेकर आपको पीछे रखता है। ये जो फाइट है, इसमें अब हम पीछे नहीं जाएंगे। बेलाइनो हम बाय खुलुमखा
लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी, लॉन्ग लिव तिपरा मोथा, लॉन्ग लिव तिपरा, ग्रेटर तिपरा लैंड, लॉन्ग लिव।